simple tutorial. Good morning students, welcome to SST so simple tutorial. हम लोगों ने पिछले क्लास में सकल और विलास की कहानी पढ़ी और साथ ही वर्चुअस एंड विशियस साइकिल के कॉन्सेप्ट को समझा. आज हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज ऑफ मेन एंड वीमेन पढ़ेंगे. हमने पिछले क्लास में देखा कि विलास मछली बेचता था और सकल एक फर्म में काम करता था. यदि आप भी अपने चारों तरफ देखेंगे तो पाएंगे कि प्रायः सभी लोग किसी न किसी एक्टिविटी में लिप्त हैं. इनमें कोई गुड्स प्रोड्यूस करता है तो कोई सर्विस, जैसे कोई डॉक्टर है तो वो एक रोगी का इलाज कर रहा है, कोई टीचर है वो पढ़ा रहे हैं, कोई किसान है तो वो हमारे लिए अनाज पैदा कर रहा है, कोई फैक्ट्री में काम करता है वो हमारे लिए कुछ मैन्युफैक्चर कर रहा है, कोई दर्जी का काम कर रहा है, कोई रेड़ी में फल बेच रहा है, कोई बैंक में काम कर रहा है ना. तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को समझने के लिए हमने एक क्राइटेरिया लिया और उसके बेसिस पर इन एक्टिविटीज़ को प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी में क्लासिफाई कर दिया. क्राइटेरिया क्या लिया? नेचर ऑफ एक्टिविटी. जब हम नेचुरल रिसोर्सेज को यूज़ करके गुड्स प्रोड्यूस करते हैं तो उसे प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी कहते हैं. इसीलिए आप देखेंगे कि इसमें एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, एनिमल हस्बेंड्री, फिशिंग, पोल्ट्री फार्मिंग, माइनिंग, क्वेरिंग आदि आदि एक्टिविटीज़ आते हैं. इनको प्राइमरी क्यों कहते हैं? इनको प्राइमरी इसीलिए कहते हैं क्योंकि बाद में हम जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं उनका आधार यही होता है. इट फॉर्म्स ए बेस फॉर ऑल सच प्रोडक्ट्स दैट वी सब्सिक्वेंटली मेक. ठीक है, सेकेंडरी सेक्टर क्या होता है? जब हम नेचुरल प्रोडक्ट्स के फॉर्म को मैन्युफैक्चरिंग के जरिए चेंज कर कुछ और बनाते हैं तो ऐसे एक्टिविटीज सेकेंडरी सेक्टर के अंदर आते हैं. इसमें मेनली मैन्युफैक्चरिंग का काम होता है. जैसे शुगर केन की खेती तो प्राइमरी सेक्टर की एक्टिविटी है, पर जब उसी शुगर केन से हम गुड़ या चीनी बनाते हैं तो वो सेकेंडरी सेक्टर के तहत आता है. इसी तरह कॉटन मतलब कपास, ये तो प्राइमरी सेक्टर का प्रोडक्ट है, पर जब उससे धागे बनाते हैं और फिर कपड़े बनाते हैं तो ये काम सेकेंडरी सेक्टर के तहत आता है. उसी तरह हम मिट्टी से ईंटें बनाते हैं तो ये भी सेकेंडरी सेक्टर के तहत ही आएगा. ओके, अब हम टर्शरी सेक्टर समझते हैं. ये सेक्टर प्राइमरी और सेकेंडरी से अलग है. यह खुद कोई गुड्स तो प्रोड्यूस नहीं करता है बल्कि प्रोडक्शन प्रोसेस में सहयोग करता है, मदद करता है. इट एड्स एंड सपोर्ट्स द प्रोडक्शन प्रोसेस. जैसे कि खेत में सब्जी प्रोड्यूस हुआ और उसे मंडी ले जाकर बेचना है तो मंडी ले जाने के लिए तो ट्रांसपोर्ट चाहिए, है ना. फैक्ट्री में कुछ प्रोड्यूस होता है तो स्टेशन, पोर्ट या गोडाउन ले जाने के लिए भी ट्रांसपोर्ट चाहिए. तो ट्रांसपोर्टेशन का काम किस में आएगा? टर्शरी सेक्टर में. किसी को अपना कारोबार बढ़ाने के लिए मान लो पैसे की ज़रूरत है तो उसे लोन लेने के लिए बैंक की ज़रूरत होगी. तो बेसिकली ये जो सेक्टर है टर्शरी सेक्टर, ये सर्विस प्रोवाइड करता है, इसीलिए इसे सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है. देखिए बुक में इसमें क्या क्या एक्टिविटीज़ दिए हैं. ट्रेड, ट्रांसपोर्ट, कम्युनिकेशन, बैंकिंग, एजुकेशन, हेल्थ, टूरिज्म, इंश्योरेंस वगैरह. आजकल इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी पर बेस्ड कुछ नए एक्टिविटीज़ आ गए हैं, जैसे इंटरनेट कैफे, एटीएम बूथ, कॉल सेंटर्स, ओला, जोमेटो आदि. ये भी चूंकि सर्विस ही देते हैं इसीलिए ये सब भी सर्विस सेक्टर में ही आते हैं. समझ गए? तो ये सभी सेक्टर्स गुड्स एंड सर्विसेज प्रोड्यूस करते हैं और नेशनल इनकम में योगदान देते हैं. दीज एक्टिविटीज एड वैल्यू टू द नेशनल इनकम. ऐसे सभी एक्टिविटीज को हम लोग इकोनॉमिक एक्टिविटीज कहते हैं. ऑल दीज एक्टिविटीज आर कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटीज. बच्चों, इकोनॉमिक एक्टिविटीज के दो पार्ट्स होते हैं, मार्केट एक्टिविटीज एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज. इन दोनों में क्या फर्क होता है? मार्केट एक्टिविटीज इन्वॉल्व रेम्यूनरेशन टू एनीवन हु परफॉर्म्स इट, दैट इज एक्टिविटी परफॉर्म फॉर पे और प्रॉफिट.
मतलब इसमें आप जो काम करते हैं वो तनख्वाह के लिए करते हैं या लाभ के लिए। इसमें प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज हो या गवर्नमेंट सर्विस हो, यानी कि सरकारी सेवा। तो नॉन मार्केट एक्टिविटीज क्या हुई? नॉन मार्केट एक्टिविटीज आर प्रोडक्शन फॉर सेल्फ कंजम्पशन, मतलब जो कुछ भी कर रहे हैं खुद के उपभोग के लिए कर रहे हैं, फॉर सेल्फ कंजम्पशन। आपके घर के सामने मान लो जमीन का छोटा सा टुकड़ा है जिसमें आप अपने लिए थोड़ी सब्जी उगा लेते हैं। ध्यान रहे, आप सब्जी बेचने के लिए नहीं उगा रहे हैं, सेल्फ कंजम्पशन के लिए उगा रहे हैं, ठीक है। उसी तरह एक माँ अपने बच्चे को घर में पढ़ा रही है, तो क्या वो ऐसा पैसे के लिए कर रही है? नहीं ना बच्चों, नॉन मार्केट एक्टिविटीज में कोई फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन नहीं होता है। कभी कभी पूछ लिया जाता है डिफरेंशिएट बिटवीन मार्केट एंड नॉन मार्केट एक्टिविटीज, तो एक टेबल बना करके इन बातों को लिख दीजिए। जैसे मार्केट एक्टिविटीज, इट इंक्लूड्स द एक्टिविटीज इन विच पेमेंट इज डन टू समवन हु परफॉर्म्स इट। इन नॉन मार्केट एक्टिविटीज, एक्टिविटीज आर डन फॉर सेल्फ कंजम्पशन। मार्केट एक्टिविटीज ब्रिंग पे और प्रॉफिट, नॉन मार्केट एक्टिविटीज डू नॉट ब्रिंग एनी मनी, ठीक है। आगे बढ़ते हैं बच्चों, क्या आपने कभी डिवीजन ऑफ लेबर के बारे में सुना है? हमारे समाज में या हमारी फैमिली में हिस्टोरिकली या कल्चरल रीजन से मेन और वीमेन के बीच डिवीजन ऑफ लेबर, श्रम का विभाजन यानी कि काम का बंटवारा होता है, जिसमें महिलाएं घर का कामकाज देखती हैं और पुरुष घर के बाहर का। आपने देखा ना, सकल की माँ घर का काम करती थी, खाना पकाती थी, कपड़े धोना, बच्चों की देखभाल करना, ये सब करती थी, और सकल के पिता खेत में काम करते थे, उपज को बाजार में बेचते थे, घर के लिए पैसा कमाते थे। क्या सकल की माँ को इसके लिए पैसे मिलते थे, कोई सैलरी मिलती थी? नहीं। वीमेन आर नॉट पेड फॉर द सर्विसेज डिलीवर्ड इन द फैमिली, इसीलिए इनके द्वारा दी जा रही सेवा की गिनती नेशनल इनकम में नहीं की जाती है। द हाउस होल्ड वर्क डन बाई वीमेन इज नॉट रिकोगनाइज इन द नेशनल इनकम। वहीं विलास की माँ जब मंडी जाकर मछली बेचती है तो उसके पैसे मिलते हैं, है ना? मतलब ये कि महिलाओं को उनके काम का दाम तभी मिलता है जब वे लेबर मार्केट में उतरती हैं। पर उनकी आमदनी किस बात से निर्धारित की जाती है? उनके एजुकेशन और स्किल से। बच्चों, एजुकेशन एंड स्किल्स आर द मेजर डिटरमिनेंट्स ऑफ द अर्निंग्स ऑफ एनी इंडिविजुअल इन द मार्केट। यदि आप एजुकेटेड हैं तो आप इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज का बेहतर इस्तेमाल कर सकते हैं। एजुकेशन हेल्प्स इंडिविजुअल टू मेक बेटर यूज ऑफ द इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल बिफोर देम। लेकिन अधिकांश महिलाओं के पास एजुकेशन एंड स्किल कम होता है, इसीलिए पुरुष की तुलना में उनको पैसे भी कम मिलते हैं। इसीलिए आपको ज़्यादातर महिलाएं अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करती मिलेंगी, जहां जॉब सिक्योरिटी नहीं होती, जहां लीगल प्रोटेक्शन का अभाव होता है, जहां काम रेगुलर नहीं होता, मतलब आज है कल का पता नहीं, जहां पैसे भी कम मिलते हैं, जहां मैटरनिटी लीव जैसी सुविधा भी नहीं मिलती है। बच्चों, ये सब अनऑर्गेनाइज सेक्टर के फीचर्स हैं। वहीं यदि वे एजुकेटेड हैं, उनके पास स्किल है, तो उन्हें भी पुरुष के बराबर वेतन मिलता है। बच्चों, आजकल महिलाएं कहाँ नहीं पहुंच गई हैं, एडमिनिस्ट्रेशन में, पुलिस में, डिफेंस फोर्सेस में। आपने किरण बेदी का नाम तो सुना होगा, इंडिया की फर्स्ट IPS ऑफिसर, आजकल पौंडीचेरी की गवर्नर है। तो महिलाएं काम करती तो हर जगह मिलेंगी, पर एक बात है, उन्हें सबसे ज़्यादा टीचिंग और मेडिसिन ही लुभाता है ना? तो बच्चों, आज का क्लास यहीं ख़त्म करते हैं। आई होप आपको समझ आ गया होगा। टाइम फॉर प्रोबेबल क्वेश्चंस नाउ। 1. नेम एटलीस्ट 2 एक्टिविटीज ईच अंडरटेकन इन द प्राइमरी, सेकेंडरी एंड द टर्शियरी सेक्टर्स। 2. Differentiate between market and non-market activities. 3. How are the working conditions for women in unorganized sector different from those in organized sector? Explain.
अब आप अपनी टेक्स्ट बुक को अच्छे से पढ़िए और इन क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ेंगे, क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। तब तक कीप रीडिंग एंड हैव अ नाइस टाइम। थैंक यू।